आइए दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हम लोग एस ट्वेल्थ स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारा एक होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 5। आई गेव क्वेश्चन नंबर 5 एज होमवर्क। अपने को जनरल एंट्रीज बोला विथ नरेशन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर ट्रीटिंग ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। कंपनी का नाम है भावा लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ भावा लिमिटेड राइट कितना लोग कर गया है होमवर्क? वेरी गुड अनंत, सुपर्ब, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मैन। और राहुल? नहीं, ठीक है, अच्छा बात है। और तनिषा, श्रीधर, वेरी गुड। तो मैं भी कर रहा हूं, आप लोग मैच करा लीजिए। देखो बेटा, ऐसे बहुत जन का मैं नाम नहीं लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे मुझको कुछ बैर है, बट ठीक है। नंबर वन, कंपनी ने मशीनरी खरीदा 25 लाख में, बीइंग एसेट परचेज्ड। सैलवेज वैल्यू 5 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रांट मिला 5 लाख का, तो डेफर्ड इनकम मेथड बोला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम अकाउंट। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, अच्छा तो यहां पे अपने जब डेप्रिसिएशन देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो अपने सीधा 25 लाख पे देंगे, इसमें से सैलवेज वैल्यू 5 लाख माइनस करेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ही तो है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त सैलवेज वैल्यू माइनस हो जाता है, हाँ या ना? व्हेन यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन तब जाके आपका सैलवेज वैल्यू माइनस हो जाएगा। बोलिए, जो ग्रॉस अमाउंट है उस पर चार्ज होगा। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बीइंग
जीजी डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो एसएलएम फॉलो हो रहा है। तो ग्रांट जो आपको 5 लाख मिला उसको भी आप सिस्टमेटिकली 10 साल में आप पीएल में उसका क्रेडिट ले जाएंगे। बीइंग ग्रांट बोलिए। तो इन द बुक्स ऑफ भावा लिमिटेड पहले हमने मशीनरी खरीद लिया, तुम्हारी परचेस की एंट्री आ गई, दिस इज परचेस, दिस इज ग्रांट रिसीव्ड, ये हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट, और ग्रांट सिस्टमैटिकली क्रेडिटेड टू पीएल। Is that fine? बरोबर है, आइए ये तो होमवर्क में था। अच्छा लास्ट जो हमारा टॉपिक था पॉइंट नंबर 5, पहले हम लोग बात किया था नॉन मॉनेटरी एसेट जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, अभी ग्रांट मिला है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट का नहीं है,
ठीक है, तो यहां पर आपने बात किया लास्ट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन डेप्रिशिएबल, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड कर देंगे, भले ये एसेट 2 करोड़ का क्यों ना हो, समझ में आ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, 2 करोड़ का क्यों ना हो फिर भी इसको 100 में ही दिखाएंगे नॉमिनल वैल्यू पे। अरे भाई तुम्हारा खर्चा थोड़ी लगा है, नहीं ये गलत है कि ये क्या बोल रहा है ये बच्चा, कहता है कि नहीं अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस काइंड में मिलता है तो आप उसको मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करो। नहीं बेटा हमारे यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग नहीं आया है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एनीथिंग विच यू पे फॉर विल बी रिकॉर्डेड, जिसका आपने पैसा नहीं भरा है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए तो गुडविल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपने बुक्स में नहीं दिखाते, क्योंकि आपने उस फ्यूचर प्रॉफिट का पैसा नहीं भरा है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, भले इसका कीमत 2 करोड़ का क्यों ना हो, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होता तो अपने क्या करते, लैंड को अपने वैल्यू करते 2 करोड़ पे, कैपिटल रिजर्व 2 करोड़ का दिखाते। बट हमारे यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग अभी पिक्चर में नहीं है, काफी सारा IFRS इज बीइंग मेड इन अकॉर्डेंस विद फेयर वैल्यू, बट हमारे यहां तो वो चीज अभी तो हम लोग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। आप जो चीज का बात करें वो आप CA फाइनल में जाके सीखेंगे। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूं कि हमारा नेटवर्क सही नहीं आएगा बैलेंस शीट का, बोलिए आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। हम फेयर वैल्यू का बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग नहीं आया अभी, तो इसीलिए आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा तो आपके लिए फ्री हो गया, लेकिन ब्लॉक में उसका अस्तित्व दिखाना है, बोल के आप जो भी आपको फ्री में मिला उसको आप सिंपल 100 रुपीज में दिखाएंगे। इज दैट फाइन? सो कल को अगर 2 करोड़ का चीज आप 10 लाख में खरीद, गवर्नमेंट आपको दे देता है तो आप 10 लाख में दिखाएंगे जितना पे किया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है जितना मैंने पे किया उतने में रिकॉर्ड होगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उससे अपने को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ग्रांट के चैप्टर में मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? Assistance in kind will not be recorded. खत्म बात। Nominal value। ये नहीं कि assistance अगर आपको kind में मिल रहा तो आप उसको पहले market value में report करिए। नहीं बेटा ये AS वो चीज नहीं है। हाँ क्योंकि अपने को block में दिखाना है, बोल के अपने 100 रुपए nominal value पे दिखाएंगे। लिख लो आप लोग, fair value is irrelevant. फेयर वैल्यू ऑब्लिक मार्केट वैल्यू इज इररेलेवेंट। अरे बेटा समझने की कोशिश करो, 2 टाइप की अकाउंटिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो मान लो सरकार बोलती है, मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लो सरकार बोलती है कि ये लैंड मैं आपको दे रहा हूं 2 करोड़ का फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी यहां पे 2 कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमारे ने हमने कुछ पेमेंट ही नहीं किया बेटा, हमने कुछ पेमेंट ही नहीं किया है। तो जब हमने कुछ पेमेंट ही नहीं किया तो लैंड अकाउंट डेबिट टू
नॉन मॉनिटरी का बात हो रहा, नॉन मॉनिटरी। फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकार ने मुझको दे दिया 100 100, नॉमिनल वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू की, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की बात करूं, तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में कैसे होता है? तब अपन लैंड दिखाएंगे कि हमको सरकार से जो जमीन मिला वो 2 करोड़ का है, पूरा का पूरा हमारा कैपिटल रिजर्व है। समझो चीज को, सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, फ्री में दे दिया। तो ये वाली अकाउंटिंग हमारे अभी आई नहीं है बेटा, दिस अकाउंटिंग वी डोंट डू। हमने कुछ पैसे नहीं भरे तो हम सीधा ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, सरकार हमको नॉन मॉनिटरी, मतलब नॉन मॉनिटरी क्या, हमको सरकार लैंड जो 2 करोड़ का है गिव फॉर रुपीज 10 लाख। 2 करोड़ की जमीन हमको सरकार ने 10 लाख में, अगेन असिस्टेंस है ये, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया? लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने पैसे कितने भरे? 10 लाख। 10 लाख तो आप उतने में ही दिखाएंगे। अमाउंट पेड फॉर विल बी रिकॉर्डेड। और यदि मैं अगर फेयर वैल्यू की बात करूं, तो लैंड को मैं दिखाऊंगा 2 करोड़ में, बैंक से मुझको पेमेंट करना है। दस लाख टू कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1.9 करोड़। तो अगेन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर कुछ भी मिलता है कहाँ गया ये रहा, तो उसको खाली नॉमिनल वैल्यू में दिखा देंगे। और अगर सस्ता मिलता है तो जितने में खरीदा उतना हम दिखाएंगे, एक्विजिशन कॉस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। ये नॉन डेप्रिशिएबल का, इज दैट फाइन? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब समझ में आया ना?
तो एनी वे हम लोगों ने क्या क्या बात किया, कितना टाइप का ग्रांट का बात किया है, मैं एक बार आपको लास्ट क्लास में लेके जाता हूं। एक मैंने बात किया नॉन मॉनेटरी, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा कैपिटल अप्रोच। स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट में दो टाइप का मेथड होता है, कॉस्ट रिडक्शन मेथड, डेफर्ड इनकम मेथड। और यहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारा एसेट जितने का है उतना ग्रांट हमें नहीं मिलता, उतना मिलता तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता ना, राइट। तो उसमें अपने दो मेथड कर लिया। और ये मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको कराऊंगा पॉइंट नंबर सिक्स था, फिर पॉइंट भूल गया मैं। हाँ, पॉइंट नंबर सिक्स, रेवेन्यू ग्रांट। ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड नेसेसरी टू मैच them with related cost। तो basically again यहां पर कौन सा approach follow हो रहा है, income approach, right? क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंपनी को एक ग्रांट मिला स्टेट गवर्नमेंट से एज कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनसीजनल फ्लड्स। The entire grant received is credited to capital reserve. Now, this is a type of revenue grant. कोई भी losses को cover करने के लिए या कोई expenses को cover करने के लिए अगर grant मिलता है तो उसको अपने बोलते हैं revenue grant. एक होता है grant in relation to promoter's contribution. Total investment का 20%, 30% मैं दे रहा हूं, सीधा का सीधा जो भी मिलेगा उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कैश में जो ग्रांट मिलेगा उसको तो आपको रिकॉर्ड करना ही है एंड उसका ट्रीटमेंट दिखाना है। कैपिटल अप्रोच में कैश में अगर मिला है, कैश में मिला है ग्रांट, कैश में मिलता है असिस्टेंस इन कैश और असिस्टेंस इन काइंड नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट वाला चीज नॉमिनल वैल्यू पे, और सस्ता तो जितना में मिला उतना एक्विजिशन कॉस्ट। कैश में मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड करना, ये नहीं कि समझ रहे आप मेरे बात,
अगर कोई भी असिस्टेंस काइंड में मिल रहा है तो उसको अपने फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे, फ्री में है तो नॉमिनल वैल्यू, सस्ता है तो जितना लगा उतना, हो गया रिकॉर्ड। अगर असिस्टेंस कैश में मिल रहा है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, कैपिटलिज्म में डाल दो। इनकम अप्रोच है, डेफर्ड इनकम में डाल के ओवर द ईयर सिस्टमैटिकली उसको पीएल में डालो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाला वो खर्चा है, इट इज इन रिलेशन टू एक्सपेंसेस और लॉसेस। In relation to loss suffered or expenses incurred. तो यह revenue grant है, तो revenue grant को आपको क्या करना चाहिए, PL में ले जाना चाहिए। अगर ये एक साल का लॉस कवर करने के लिए मिला है तो पूरा का पूरा इसी साल पीएल में चला जाएगा, और अगर मोर देन 2-3 इयर्स का लॉसेस कवर अप करने के लिए मिला है, 2-3 साल का एक्सपेंस कवर करने के लिए मिला है, तो आपको डेफर्ड इनकम में डालना है, फिर धीरे धीरे करके पीएल में डालेंगे ओवर द पीरियड्स। देखो यहां पर लिखा है कितना साल से रिलेट, कितना साल को रिलेट करता है। तो लिखेंगे रेवेन्यू ग्रांट शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, इट शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल on a systematic basis over the periods necessary to match them with related cost. नंबर सेवन, नालंदा यूनिवर्सिटी हैज रिसीव द फॉलोइंग ग्रांट्स ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी ग्रांट अगर आपको कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है या कोई कंपनी से मिलता है तो वो इस एएस में कवर्ड नहीं है। दिस एएस सोली डील्स विद ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो ये गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट बॉडी हो गया। टू बी यूज फॉर एड्स रिसर्च 45 लाख रुपए, बाप रे बाप। उसके बाद लिखा है From Ministry of Human Resource to be used for AIDS research. इसमें 3 लाख रुपए है to cover indirect expenses incurred in administrating the grant. तो ठीक है, 45 लाख grant मिला है। From a reputed trust to be used to set up a center to conduct seminar on AIDS related matter from time to time 35 लाख रुपया। तो ये ग्रांट अपने को ट्रस्ट से मिला है। डोनेशन फ्रॉम अ वेल विशर 5 लाख का वर्थ ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज्ड फॉर एड्स रिसर्च।
ठीक है, ओके फाइन। ड्यूरिंग द ईयर यूनिवर्सिटी ने खर्चा किया 32,35,000, 32 लाख, सॉरी 32,25,000 ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट एंड इनकर्ड 3 लाख एज ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो टोटल हो गया 35,25,000, और जो ट्रस्ट से मिला उसका 28 लाख खर्चा किया है। ठीक है, आइए, तो पहला बात तो जो ट्रस्ट से मिला है और डोनेशन फ्रॉम अ वेल विशर, ये दोनों ही इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो खाली फर्स्ट वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से जो मिला है दैट इज कवर्ड अंडर दिस एएस, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज कवर्ड अंडर AS 12, अदर ग्रांट रिसीव्ड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS 12, बट हाउएवर यू कैन ट्रीट इट, हाउएवर you can treat other items as per provisions of AS 12। खाली जो गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला ना यही वाला AS 12 में कवर्ड है, बाकी ग्रांट इज फ्रॉम अ ट्रस्ट और अ प्राइवेट पर्सन, आप चाहें तो उन ग्रांट्स को भी AS 12 के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग तो भैया खाली गवर्नमेंट वाला करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू गवर्नमेंट ग्रांट, उसके बाद हमने खर्चा किया 32,25,000 प्लस 3 लाख, एड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है 32,25,000, टू बैंक 35,25,000। तो अभी तक हमने जितना खर्चा किया ना उतना ग्रांट को ही पीएल में क्रेडिट करेंगे, बैलेंस को डेफर कर देंगे। सो दिस इज रेवेन्यू ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट का समय ना ये, हाँ या ना,
इज दैट फाइन? तो आप अपने क्या करेंगे, बीइंग ग्रांट क्रेडिटेड टू पीएल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बैलेंस अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट. देख लीजिए बेटा, इज दैट फाइन? रेवेन्यू ग्रांट भी यही चीज बोलता है. इसका मैचिंग होगा पीएल में, जितना खर्चा करेंगे. तो ये ग्रांट आपको एड्स रिलेटेड खर्चा के लिए मिला था 45 लाख, इसमें 3 लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी है. तो ये 3 तो जाएगा, ये 3 का ग्रांट, तो इतना खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हो गया है और ये एड्स रिलेटेड खर्चा हुआ है. तो बाकी का जो ग्रांट बच गया, तो अपने इसको पीएल अगर बनाते हैं तो पीएल में एड्स रिलेटेड खर्चा कितना आएगा, 32,25,000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आएगा, 3 लाख. यूजुअली हम कमाते हैं और खर्चा करते हैं, यहां पे सरकार से पैसा जो मिला वो खर्चा कर रहे हैं, 35,25,000, और बैलेंस शीट में डेफर्ड ग्रांट बोल के 9,75,000 दिखा देंगे. 45 में से 35,25,000 खर्चा हो गया, बाकी का डेफर कर दिया. तो जितना खर्चा किया उतना ग्रांट पीएल में आएगा सिस्टमैटिक बेसिस, बाकी का खर्चा फ्यूचर में करेगा तो फ्यूचर में डालेंगे. एकदम क्लियर है बेटा, हमको कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में. आई डोंट हैव अ सिंगल डाउट ऑन दिस. Is that fine? Question number 8. Sambhu Limited has set up its business in a designated backward area, which entitles it to receive as per a public scheme announced by government a subsidy of 15% of the cost of investment. कोई बात ही नहीं करना इट सा. Grant in the nature of promoter's contribution. Having fulfilled all the conditions laid down under the scheme, the company on its investment of 100 lakhs in capital asset received in January during the accounting year 15 lakhs from government. Very good. Accountant is 15 lakh ko revenue manna chahta aur to reduce the losses on PL account for that year in his action justify. सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन 8. द ग्रांट रिसीव्ड इज नॉट इन रिलेशन टू
स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट और इन रिलेशन टू रेवेन्यू। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, मैंने आपको क्या क्या बताया है, क्या क्या बताया है। यहां वर्ड है स्पेसिफिक कि भैया ये एसेट खरीदने के लिए मैं तुमको 10 लाख देता हूं, टोटल इन्वेस्टमेंट का पैसा मिल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट का पैसा मिल रहा है। इट इज इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट हैज टू बी नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो पैसा मिलेगा, हां अगर कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का मिला, इस तरीके से करेंगे इनकम अप्रोच। अपने आप से पूछो, इज इट रिलेटेड टू कवर अप एनी लॉसेस और टू डू एनी टाइप ऑफ रिसर्च एंड ऑल? नो। इज इट रिलेटेड टू बाइंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट? एब्सोल्युटली नो। इट इज इन रिलेशन टू द अबव ग्रांट इज इन रिलेशन टू प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। Therefore, should be credited to capital reserve and treated as part of shareholders' fund. इज दैट फाइन? हाँ, ये कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं है, ना ही इन रिलेशन टू रेवेन्यू है, ये प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का है, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मिला, टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मिला, मेरा माथा खराब हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मिला, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई रिलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं, अच्छा अच्छा, कोई लॉसेस के लिए नहीं, अच्छा अच्छा, कोई एक्सपेंसेस के लिए नहीं, अच्छा अच्छा, तो कैपिटल अप्रोच, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर फंड, इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच कब कब लगता है? जब कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो, डेप्रिशिएबल, कोई रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, कोई लॉसेस से रिलेटेड हो। अच्छा, समझ में आ रहा है। तो सर अभी तक आप मेरे को बताइए, आपने मेरे को क्या क्या बताया? मैंने बेटा आपको यह बताया है ग्रांट, मैंने आपको बताया ग्रांट, ओके, ग्रांट बताया, फिर मैंने आपको बताया कैपिटल अप्रोच, फिर मैंने आपको बताया इनकम अप्रोच। अच्छा, कैपिटल अप्रोच, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इनकम अप्रोच में देखना पड़ेगा। नॉन मॉनिटरी, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड, ये भी तो इसी में आएगा, एक सेकेंड रुको, जस्ट होल्ड ऑन। पहला आ गया, दूसरा,
नॉन मॉनेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट, कैपिटलिज्म में डालते हो ना, भले हालांकि 100 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, बट फिर भी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट, मेथड वन, मेथड टू। ठीक है, इन रिलेशन टू लॉस ऑब्लिक एक्सपेंसेस, दैट इज रेवेन्यू ग्रांट। जहां जहां पे पीएल में क्रेडिट हो रहा है, वो हो गया इनकम अप्रोच, और जहां जहां पर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो रहा है वो हो गया कैपिटल अप्रोच। इज दैट फाइन एवरीवन? आइए क्वेश्चन नंबर 9। संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 crores फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 crore एज डिविडेंड। वाओ, ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड इन द लाइट ऑफ एस टू एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट इज करेक्ट। पहला वाला जो ग्रांट है वो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का है, तो आपको क्या करना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 8 crore 8 crore। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ सच ग्रांट इज इन एप्रोप्रिएट। दूसरा, सेकंड वाला लैंड एट फ्री ऑफ कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू।
Is that fine? ₹100 पे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन 10। अ फ्यू डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शिवा लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स फॉर 500 लाख ऑन विच इट रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 10%। तो ग्रांट जो मिला है आपको if it is received with reference to total investment, तो ये हो गया promoter's contribution, that is बैंक अकाउंट डेबिट टू ₹500 लाख का 10%। स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर है मतलब एक 500 लाख का कोई एक हमने का एसेट खरीदा है तो कॉस्ट रिडक्शन मेथड दूसरा तो सर ये कैसे पता चलेगा आप ध्यान से देखो हमने लैंड ले लिया 300 लाख का बिल्डिंग बना लिया 100 लाख का प्लांट बना लिया 100 लाख का तो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया तो टोटल इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में अगर मिलेगा तो पूरा 10% ऑफ दैट विल बी कैपिटल रिजर्व लेकिन मान लो हमने खाली प्लांट खरीदा है 500 लाख का अब ये इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट हो गया यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट है टोटल इन्वेस्टमेंट 300 लाख लैंड बिल्डिंग 100
तो 500 लाख का 10%, तो जो भी अपने को मिला वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन अगर हम 500 लाख का खाली प्लांट खरीदा है, तब ये वाला चीज, इज दैट फाइन? डन। अब हम लोग बात करेंगे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का, पॉइंट नंबर 7। कल को अगर हम कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो सरकार हमसे वापस ले लेगी पैसा। सीधा सा बात है, इट्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट किसको करेंगे? जहां डाला था उसको डेबिट करेंगे। कहने का मतलब है अगर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो कैपिटल रिजर्व में डाला था, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक। अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट हुआ तो इसमें दो मेथड है, मेथड वन, मेथड टू, फिक्स्ड एसेट का बैलेंस को बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन बुक वैल्यू, राइट? मेथड टू और रेवेन्यू ग्रांट का सेम होगा, डेफर्ड इनकम में जितना है डेबिट टू बैंक, डिफरेंस के लिए पीएल डेबिट हो जाएगा। मैं सब समझाऊंगा आपको। आप लोग बस खाली इसको कॉपी कर लीजिए।
राइट आइए नंबर 11 सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 250 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर वेलफेयर एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज द ग्रांट प्रेस्क्राइब फॉर इट्स यूटिलाइजेशन अच्छा तो ये जो 250 लाख जो गवर्नमेंट से मिला था आपने लास्ट ईयर क्या किया तो सबसे पहले पढ़ लो हमको 250 लाख रुपए का ग्रांट मिला है ड्यूरिंग द लास्ट अकाउंटिंग ईयर फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज ग्रांट प्रेस्क्राइब कंडीशन फॉर इट्स यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग करेंट ईयर इट वॉज फाउंड कि एक्चुअल में आपने खर्चा किया ही नहीं है तो द अबव ग्रांट इज In the nature of revenue grant, since it is related to staff welfare expenses. तो when received it should have been credited to PL when refunded the amount refunded should be debited to PL right और refund of grant हम लोग AS5 पढ़ेंगे extraordinary item माना जाता है राइट क्वेश्चन नंबर 12 तीन साल पहले आपको सब्सिडी मिला 25 लाख का फ्रॉम गवर्नमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स टोटल कैपिटल आउटले तो जब मिला था आज से तीन साल पहले तो आपने क्या किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अभी उसमें से 16 लाख रिफंड करना पड़ रहा है तो द अबव ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन देयरफोर इट हैज बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिसीव कैपिटल रिजर्व अमाउंट
जहां डालेगा वहां से निकाल देना। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, आउटफ्लो ऑफ कैश तो है ही, अब डाला कहां था? कैपिटल रिजर्व में, तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन 13, एकदम फटाफट इजी है। अ ग्रांट 25 लाख का 3 साल पहले मिला इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीनरी 200 लाख का, वाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ द रिसीप्ट ऑफ ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द रिसिपियंट। ठीक है, पार्ट ए का आंसर है आइदर बाय कॉस्ट रिडक्शन मेथड, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का, और दूसरा है डेफर्ड इनकम मेथड। इज दैट फाइन? हाउ द रिफंड ऑफ ग्राउंड शुड बी रिफ्लेक्टेड। अगर हमने कॉस्ट रिडक्शन मेथड फॉलो किया है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंक्रीज द बुक वैल्यू बाय द रिफंड अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि अब रेट्रोस्पेक्टिव हट चुका है। और अगर सेकेंड मेथड से किया था तो जितना भी अन डेफर्ड इनकम में बैलेंस है ना, डेफर्ड इनकम में कौन सा बैलेंस होता है, जो अन एमोर्टाइज्ड पोर्शन है उसको डेबिट कर देंगे टू बैंक रिफंड अमाउंट, बाकी के लिए पीएल डेबिट हो जाएगा। तो ये वाला जो करेंगे ना, बैलेंसिंग फिगर, खाली थ्योरी क्वेश्चन पूछा था। अकाउंटिंग कैसे करना बता दिए हैं, और रिफंड का टाइम में अकाउंटिंग कैसे होगा ये अभी बता दे रहे हैं।
नंबर 14, एबीसी परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख, ग्रांट रिसीव टुवर्ड्स इट इज 20%, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिला 10 लाख का, रेसिडुअल वैल्यू है 8 लाख, यूजफुल लाइफ 8 साल, नोट नंबर 1, आफ्टर एक साल के बाद में ग्रांट रिफंडेबल हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख ड्यू टू, अच्छा यहां पे बोल दिया एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब नेट ऑफ ग्रांट, मतलब कॉस्ट रिडक्शन मेथड फॉलो हुआ है। तो सबसे पहले ओल्ड डेप्रिसिएशन, पचास लाख का एसेट था, 10 लाख 20% का ग्रांट मिल गया, सेल्वेज वैल्यू 5 लाख, सॉरी 8 लाख, और लाइफ 8 साल, तो ये आया नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट। सेकेंड ईयर का एंट्री करने बोला अपने को, तो हमको बताइए पहला वाला का एंट्री का किए होंगे हम लोग, जस्ट खाली क्विकली ये बात देख ले रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशन बताओ, 32 लाख बाय 8, 4 लाख रुपए पर एनम फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सबसे पहला एंट्री किए होंगे प्लान डेबिट टू बैंक, कितना 50 लाख 50 लाख, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट 10 लाख 10 लाख, तो ऐसा करते मेरा नेट कॉस्ट आ गया 40 लाख। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ओल्ड डेप्रिसिएशन 4 लाख 4 लाख, और पीएल टू डेप्रिसिएशन 4 लाख 4 लाख, ये मैंने किया है फर्स्ट ईयर में, कर रखा है ये चीज। अच्छा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर वन, नोट टू, 40 लाख में से 4 लाख बाद दे देंगे। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त सैलवेज खाली लेस होता है, बट एक्चुअल में तो अकाउंट में तो लेस थोड़ी होता है, ओनली फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन सैलवेज लेस होता है, तो अकाउंट में तो 40 लाख ही है। बुक वैल्यू आएगा 36 लाख, देख लो भैया ये वर्किंग नोट में पुराना डेप्रिसिएशन और एक साल बाद का बुक वैल्यू,
इज दैट फाइन? अब लिखा है सेकेंड ईयर में जर्नल एंट्री क्या होगा, तो आज हम लोग एसेट का वैल्यू कम कितना से किया था, 10 लाख से, जितना रिफंडेबल हो रहा है उतना से बुक वैल्यू बढ़ा देंगे। अब सम का मेन पार्ट है, Y2 पहला एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग बुक वैल्यू इंक्रीज्ड विथ रिफंड अमाउंट, जो हमारा रिफंड अमाउंट था उतना से हम हमारा वैल्यू बढ़ा दिए। अब नंबर टू, अब इस साल का डेप्रिसिएशन कैसे आवेगा, ₹36 लाख था उसमें हम 7 लाख बढ़ा दिए, ठीक है। सैलवेज कितना है, 8 लाख, रिमेनिंग लाइफ 7 साल, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट सम एग्जाम में आ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिफंड रिफंड नहीं हुआ होता तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर रिपीट हो जाता सेकेंड ईयर में।
पढ़ लिया आप लोग क्वेश्चन? नाउ ध्यान दीजिए, कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट 360 लाख का फॉर एक्वायरिंग द प्लांट ऑफ 1800 लाख ड्यूरिंग 1718। तो 17-18 में हमको एसेट खरीदा है हमने 1800 लाख का, और ग्रांट मिला है 360 लाख का, जिसको हम लोग क्रेडिट कर दिया था डेफर्ड इनकम में। लाइफ 12 साल। अच्छा, 18-19 में ड्यू टू नॉन कंप्लायंस अपने रिफंड करना पड़ रहा है। 18-19 में ग्रांट को हमको रिफंड करना पड़ रहा है 360 लाख का। बैलेंसेस दिया हुआ है, डेफर्ड इनकम अकाउंट में 360 लाख का। बट ऑब्वियस है, पिछला साल अगर मिला तो 1/12 करेंगे तो 30 लाख ग्रांट हम लोग पिछले साल का पीएल में ले चुके हैं। हाँ या ना? और एक साल का हम लोग डेप्रिसिएशन भी दे चुका है, ग्रॉस मेथड है ना ये, तो इसीलिए एसेट अकाउंट में 1650 लाख का बैलेंस है। राइट आइए, तो इसमें जब रिफंड होता है पार्ट वन का आंसर कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन का समरी बनाया हमने। डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट 330 लाख, रिफंड करना पड़ रहा है 360 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 30 लाख बैलेंसिंग फिगर। डेफर्ड इनकम में 360 है, मतलब 330 तो अभी पीएल में डाला ही नहीं था, जितना डाला था उतना निकाल लिया क्योंकि रिफंड पूरा करना पड़ रहा है। एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस मेथड में एसेट में कोई चेंज नहीं आता है। डेप्रिसिएशन में भी कोई चेंज नहीं आया, 150 लाख ही होगा। Is that fine? अब इसका पार्ट टू करना है। बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, अगर इसको कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया था तो कुछ नहीं करना होगा।
सीधा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। थ्री सिक्सटी लैख, 360 लैख। डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज। तो अभी मैं वो सब नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले सब में वो चीज करा दिया है। इज दैट फाइन? बोलिए। सिक्सटीन नीलाकांता लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 40 लाख। लाइफ 4 इयर्स। रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज 16 लाख। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल इन थर्ड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 12 लाख। आ जाइए, अगर ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट तो पार्ट ए करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन मेथड। नेट कॉस्ट चालीस लाख में 16 लाख बाद दे दो, आया 24 लाख। एनुअल डेप्रिसिएशन 24 लाख माइनस 8 लाख बाय लाइफ 4 इयर्स। कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ 24 में से 8 गया 16, 4 लाख। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 24 लाख माइनस 4 लाख इंटू 2 16 लाख आएगा। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट। ये वर्किंग नोट मेन है हमारा। देख लीजिए,
Is that fine? तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पूछा है ना? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक रिफंड, तो न्यू बुक वैल्यू क्या आएगा? 16 लाख था प्लस 12 लाख, दैट इज रुपीज 28 लाख. इज दैट फाइन? खाली रिफंड का एंट्री करने बोला और वैल्यू निकालने बोला है. नंबर बी, डेफर्ड इनकम मेथड में कॉस्ट इज 40 लाख, एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 40 - 8/4 years, 8 लाख. इज दैट फाइन? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 40 - 8 × 2, दैट कम्स टू 24 लाख. बैलेंस इन डेफर्ड इनकम आफ्टर 2 years 16 लाख का ग्रांट मिला था. 16 लाख / 4 × 2 साल हो चुका है, 8 लाख रुपया बचा हुआ है. देख लीजिए कैलकुलेशन. एसेट अकाउंट में बचा हुआ है 5. तो अब अगर जर्नल एंट्रीज करने बोलता है Y3 में, तो डेफर्ड इनकम में बैलेंस बचा हुआ है 8 लाख, रिफंड कितना किया 12 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डाल देंगे 4 लाख. न्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट स्टिल द सेम, दैट इज 24 लाख.
नाउ स्टूडेंट्स को एक डाउट आएगा, सर आपने हम लोगों को लास्ट क्लास बताया था कोई भी मेथड फॉलो करो नेट पोजीशन सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे नेट पोजीशन आ रहा है 28 लाख, अब तो ग्रांट नहीं है, 28 लाख, और यहां पर हमारा नेट पोजीशन आ रहा है 24 लाख। एक्चुअल में ध्यान से देखो 16 लाख का ग्रांट है, 4 साल लाइफ है, तो 2 साल तक का पीएल में डाला कितना, 8 लाख, लेकिन आपसे सरकार ज्यादा रिफंड मांग रही है, इट्स अ पेनल प्रोविजन। तो आप जो 4 लाख हिसाब से प्रैक्टिकली अगर प्रोपोर्शनेट देखेगा, एसेट पे हमको ग्रांट मिला 16 लाख, तो हम जो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से एनुअल ग्रांट हो गया तुम्हारा 4 लाख, तो 2 साल का तो 8 लाख का तो हम उसको तो खत्म कर दिया, तो रिफंड बचा हुआ 8 लाख मेरे को रिफंड होना चाहिए था। देखो बैलेंस इन ग्रांट था 8 लाख डेफर्ड ग्रांट, लेकिन हमको रिफंड करना पड़ा 12 लाख, 4 लाख एक्सेस करना पड़ रहा है। तो यहां पे जो 4 लाख एक्सेस करना पड़ रहा है इट्स अ पेनल प्रोविजन, तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जा रहा है, क्योंकि यहां पे अपने एसेट को कुछ छेड़खानी किया ही नहीं था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम एसेट अमाउंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं पूरा 12 लाख से, मतलब जो कि यहां पे 4 लाख का जो एक्स्ट्रा पेनल प्रोविजन था उससे भी हम एसेट का बैलेंस को बढ़ा दे रहे हैं। नाउ एसेट का बैलेंस को तुम तभी बढ़ाते हैं ना अगर कोई हमको बेनिफिट मिलने वाला है, तो रिफंड ऑफ ग्रांट वैसे भी अपने को कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो ये चीज AS 10 के हिसाब से ये होना चाहिए था, फिक्स्ड एसेट को डेबिट करना चाहिए था 8 लाख से ही, पीएल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 4 लाख से, टू बैंक 12 लाख, क्योंकि आप एसेट को बढ़ा नहीं सकते मोर देन इट्स कॉस्ट। तो अब देखिए 24-24 आ जाएगा दोनों केस में, ये ठीक है। यहां तो आप एसेट का वैल्यू को छेड़खानी ही नहीं कर रहे हैं, खाली आपने 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस करके 24 लाख आ गया आपका, डेफर्ड इनकम में 8 था तो डेफर्ड इनकम डेबिट हो गया, बाकी के लिए पीएल डेबिट होता है। तो ये तो पक्का है पेनल प्रोविजन पीएल में डेबिट होगा। आज 16 लाख का ग्रांट, 4 साल लाइफ, 4-4 साल हो गए एनुअल एक हिसाब से देखा जाए तो 2 साल तो बीत चुका, थर्ड ईयर में रिफंड करने बोल रहे, तो आप तो मेरे को ऐसा चीज बोल रहे हो, बोलते हैं कि आपने कंज्यूम कर लिया उसके बाद आप रिफंड मांग रहे मेरे से, तो जो बचा हुआ है अनएमोर्टाइज वो तो मैं दे ही रहा हूं। एमोर्टाइज पार्ट भी दे रहा हूं, तो यहां पर वही चीज बोलता है जो एमोर्टाइज पार्ट है, जो जितना आपने बेनिफिट नहीं लिया है उतना से आप खाली फिक्स्ड एसेट को बढ़ाइए। देखिए इस मेथड में WDV आ रहा है 16 लाख, इस मेथड में WDV आ रहा है 24 लाख 2 साल बाद, तो इस वाले मेथड में आपको फिक्स्ड एसेट को डेबिट करना चाहिए था 8 लाख से। तो मैं आपको लिखा देता हूं, हालांकि ये ट्रीटमेंट गलत नहीं है, दिस इज सोली बेस्ड ऑन AS 12, लिखेंगे नोट। द एवव सॉल्यूशन हैज बीन डन बेस्ड ऑन AS 12।
without considering the provisions of AS 10. The above solution is based on AS 12 without considering the provision of AS 10. If we combine both AS 10 and 12, fixed asset account should not be debited beyond 8 lakhs at the time of refund being the difference in book value under both the methods. यहां पर है तुम्हारा 16 लाख राइट इधर है 24 राइट तो 16 को रिफंड के टाइम में 16 को बढ़ाना है लेकिन 24 तक ही बढ़ाना है द एक्सेस रिफंड ऑफ 4 लाख should be debited to PL because refund does not result in any additional benefit and charge to PL should be neutral under both the methods. ठीक है आप इस मेथड में देखिए ना आप पूरा का पूरा 12 लाख एसेट बढ़ा दे रहे हैं लेकिन यहां पर आप पीएल में 4 लाख दिखा रहे हैं ना तो दोनों में न्यूट्रल कहां हुआ पीएल का इफेक्ट तो पीएल का इफेक्ट न्यूट्रल दिखाने के लिए आपको यह करना चाहिए यहां पर भी पीएल डेबिट होगा तब जाके आपका पीएल और दोनों का बैलेंस शीट में जो नेट इफेक्ट है वो सेम आएगा दो अलग-अलग मेथड दैट डजंट मीन कि दो अलग-अलग इफेक्ट इफेक्ट सेम होता है मेथड्स का मतलब क्या है आज अपने ब्रांच अकाउंट करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांच रिमेंबर डोमेस्टिक ब्रांच का कैसे होता है डेटर्स मेथड से करते हैं स्टॉक एंड डेटर्स से करते हैं ट्रेडिंग पीएल मेथड से करते हैं आंसर क्या अलग-अलग आता है आंसर सेम आता है ठीक है तो ये मैंने आपको सिंपल एक लॉजिक दिया है कि दोनों का जो बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है रिफंड उतना से ही डेबिट होगा अगर कम है तो प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा रिफंड अप टू 8 लाख फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा बाकी के लिए पीएल डेबिट करना है क्योंकि रिफंड से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता और दोनों का पीएल इफेक्ट सेम होना चाहिए इज दैट फाइन अगर कोई ये लिखना नहीं है आपको क्योंकि एग्जाम में आपको इतना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जस्ट आपको अगर अलग से इसका क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है बट ये मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल में बताया है राइट
ठीक है, तो एज ऑफ नाउ इस एस तक, इस एस का हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चंस मुझको लगेगा कि आपको कराना चाहिए तो वी विल श्योरली कीप वन एक्स्ट्रा क्लास एंड रिकॉर्ड द रिमेनिंग सम्स। इतना काफ़ी है बेटा आपके एग्जाम्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए मैंने जितना आप लोगों को कराया है दैट इज़ एनफ, राइट। एंड इफ यू फाइंड दैट इफ समथिंग एक्स्ट्रा नीड्स टू बी डन तो दैट विल बी ड्यूली टेकन केयर। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड, यही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था। होप यू ऑल शुड डू वेल इन एग्जाम। थैंक यू सो मच।